हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोसिक्स, वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है आपके पर्सन जो है सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे एंड डेफिनेटली ये क्या करना चाहते हैं, इनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा, सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव। सो इट विल बी अ कलेक्टिव टाइमलेस जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम में फॉर एडिशनल रील्स यू कैन फॉलो, एज वेल एज देर इज अनदर चैनल यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब कर, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, इवन सेकेंड चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके जीवन में पूरी तरह से सफलता आए, आपका जो ख्वाहिश है वो पूरा हो, यही हम प्रार्थना करते हैं और इसी शुभ मुहूर्त के साथ शुरुआत करते हैं। ओके, सो आप अपने पर्सन को चैनलाइज कीजिए, मतलब आप उनको पूरी तरह से याद कीजिए। अगर उनका फोटो है सामने तो आप रख सकते हैं। सो यूनिवर्स विल गाइड एंड एंजल्स विल गाइड इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स जिनके लिए आज वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो सुबह से क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या वो कहना चाहते हैं। ओके, सो वी डू हैव द जस्टिस कार्ड। ओके, वी डू हैव द एम्परर। वाओ, टू टू मेजर अर्कना। यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ कप्स। We do have the magician. Wow, चार चार मेजर अर्कना यहाँ पे आ चुका है। Bottom of the deck is 10 of the swords and 5 of cups. Oh ho, all right, and 9 of pentacles. जो पिक्चर ऊपर था वही आया है यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ और यहाँ पे दर्शन आया है, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड प्लीज, थोड़ा सा मैं अरेंज करूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। यहाँ पे जो राशि इम्पोर्टेंट है वो है लिब्रा तुला राशि, यहाँ पे है एम्परर। एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कर्क वृश्चिक और मीन राशि, यहाँ पे है जेमिनाई मिथुन राशि, यहाँ पे है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, यहाँ पे है फाइव ऑफ कप्स का एनर्जी, कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, यहाँ पे है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा। सो बेसिकली यहाँ पे हर एक साइन यहाँ पे आ चुका है। 11 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4 नंबर इज इम्पॉर्टेंट, 1 इज इम्पॉर्टेंट, सो 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 आप देख सकते हो। 5, 9 एंड 10 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मई का महीना, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, स्पेशली नवम्बर, ओके एंड जनवरी इज वेरी इम्पॉर्टेंट। हो सकता है इनसिग्निफिकेंट मंथ में या डेट में कुछ ऐसे घटनाएं हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा यादगार है, ठीक है। ओके, बेसिकली सुबह से वो क्या सोच रहे थे, देखो पहली बात तो है, मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा सुबह से, ठीक है, उस मैटर्स में फोकस कर रहे थे जहाँ पे, देखो वो चीज़ है कि वो आपके साथ जो भी चीज़ किए हैं, जो भी घटनाएं आपके साथ उन्होंने क्रिएट किया, ठीक है, वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ पे बहती हुई नदी जा रही है और शायद उनके जीवन में शायद दो ऑप्शंस भी होंगे, ठीक है, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। वो इस पानी को पीने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई भी कंटेनर नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो जीवन का वो सुख तो पाना चाहते हैं लेकिन वो उनको कैसे मिले, या सुख उनके पास अगर आता भी है तो उनको रिटर्न कर देते हैं वो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये इंसान इस तरह से है कि अभी ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा सुबह से वो नेगेटिव फील कर रहे थे, अपने आप को ब्लेम करते जा रहे थे एंड वो ऐसा भी मानते जा रहे थे, उन्होंने जिस तरह से सोचा था, ठीक है, उस तरह से कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा विपरीत हो गया।
तो काफी ज्यादा हैरान थे, काफी ज्यादा परेशान थे और कहीं ना कहीं पे ये अपने खुशी को ढूंढ रहे थे बट उनको मिल नहीं रहा था। सामने एक माउंटेन है, सो इट रिप्रेजेंट्स द ब्लॉकेज इन देयर लाइफ, उनके जीवन में ये इस नदी को कैसे पार करे, ठीक है। और राइट, उसके सामने क्या है, पहाड़ है, ठीक है, और उनको रास्ता कुछ भी नहीं मिल रहा था। भले उनके पास ऑप्शंस है लेकिन उस ऑप्शंस में भी वो खुश नहीं है। मतलब इस इंसान का फितरत इस तरह से है कि इनको जितना भी आप प्यार करें, जितना भी इनके जीवन में एबंडेंस आए, चाहे वो धन हो, दौलत हो, शौहरत हो, फैमिली उनको खुशी भी दे, तभी भी उनको सेटिस्फेक्शन जो फैक्टर होता है ना वो नहीं है। कुछ लोग क्या होता है ना कि एक छोटा सा मकान, दाल चावल, रोज की जिंदगी, उनमें खुश रहना उनको आता है, बट इनको एबंडेंस भी मिल जाता है ना तो भी इनको खुशी नहीं मिलता। कहीं ना कहीं पे वो कोई सिचुएशन से, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था, तो उनको लग रहा था ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पे उन्होंने एंड किया है, ठीक है, और उनको सिर्फ और सिर्फ चुभन हो रहा था, ठीक है। बेसिकली वो, मैं सुबह से यही फील कर रही थी, मतलब वो ऐसे ही फील कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वो तलाश कर रहे थे वो खुशी का, बट उन्होंने ऐसा ही कुछ ओवर रिएक्ट किया आपके साथ, कुछ मेलोड्रामेटिक सिचुएशन। मेलोड्रामेटिक सिचुएशन मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ओवर रिएक्ट करना, हाइपर एक्टिव हो जाना, और आपको जो ना बोलना चाहिए उनको बोल देना। तो शायद वो बहुत ज़्यादा सुबह से इस तरह से थे कि मैंने जो भी किया अपने हाथों से, मैंने जिस तरह से बोला जाता है ना, शायद वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी फंसे हैं, तो उन्होंने इसको बोला जाता है कि आप खुद ना वो रेप्टाइल क्रोकोडाइल को अपने जगह पे लेके आते हो। मतलब जिसको बोला जाता है आप कैनल तो बना रहे थे, ठीक है, फॉर द कल्टीवेशन, लेकिन उसमें से क्या आया, उसमें से क्रोकोडाइल चला आया, ठीक है। तो खुद ही अपने जीवन में उन्होंने दुख कष्ट को इन्वाइट किया है, तो उनको तो मिलेगा ही वो चीज़। आपके तरफ उन्होंने कदर नहीं किया था ये सिचुएशन, जब आपने उनको बोला था कि मुझे मत छोड़ के जाओ, या ये रिलेशनशिप मुझे चाहिए, प्लीज एंड मत करो, जो भी हुआ है जाने दो, माफ कर दो, आपने माफी चाहा, लेकिन इन्होंने आपको माफ नहीं किया था उस दौरान। और अभी क्या है, ये खुद उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, देयर आर द स्वर्ड्स, शायद उनको ये भी बोला जा रहा है अगर आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे तो आपको क्या मतलब क्या आपके साथ होगा आप देख लेना। मतलब वो जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो उनको चैलेंज कर रही है, क्या चैलेंज कर रहा है, कहीं ना कहीं पे वो सिचुएशन से बाहर कोशिश तो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लगेज भी है, कोशिश तो कर रहे हैं बाहर निकलना, लेकिन यहाँ पे स्वर्ड्स रखा हुआ है, ठीक है। तो वो सिचुएशन को एंड करके आगे बढ़ना चाहते थे, यही सोच रहे थे कि किस तरह से मैं आगे बढ़ूँ। पैसा उनको अंधा बना दिया था, ठीक है, पैसा, धन, दौलत, शोहरत उनको अंधा बना दिया था, और कहीं ना कहीं पे वो इस तरह के इंसान थे, उनको लगा था कि मैं अकेला ही जी सकता हूँ, आई कैन लीव, ठीक है, लोनली, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं सिर्फ ओपन और स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह से रिलेशनशिप में बिलीव करता हूँ, जहाँ पे मुझे किसी को कमिटमेंट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे वो शायद आपके पर्सन सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड है, शायद वो खुद के बिजनेस करते हैं, होम से भी शायद काम करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान हो सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो सकते हैं, या इनके परिवार में बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, या इनके माता पिता हैं जो अच्छे पोजीशंस में काम करते हो। मतलब इनके जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, कुछ अलग ही है, ठीक है, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास अधिक से अधिक पैसा हो सकता है। और ये इंसान जो है ना, इसलिए इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि इनके पास सब कुछ रिसोर्सेस था अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इस सक्सेस को वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, ओके, दे हैड डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। तो वो सुबह से यही सोच रहे थे कि मैं जो अपने जीवन में सक्सेस को मैनिफेस्ट किया उसका क्या फ़ायदा हुआ, मुझे तो वो खुशी मिला नहीं। तो वो आपके साथ एक नई, विद द एस ऑफ कप्स, दे वॉन्ट टू हैव
रिकनेक्शन विद यू अगर आप नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक सिचुएशन में हो, अगर आप नई मतलब नया रिलेशनशिप में हो, वो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, वो आपके साथ ठीक है एक जॉयफुल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, दिस इज अ मरमेड बेबी और यहाँ पे है डॉल्फिन। दोनों का ही मन मुझे लग रहा है बच्चा है, बच्चा बच्चा जैसे है, दिल तो बच्चा है जी। ओके ओके, इस तरह से मुझे लग रहा है ये कप जो है ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। शायद ये बहुत ज़्यादा यंग पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये आपको प्रपोजल देंगे, लव लेटर भेजेंगे, ठीक है, मैसेजेस भेजेंगे, कहने कहे पे एक नई तरह से फिर से शुरुआत ये करना चाहते हैं अगर आप ऑलरेडी इनके साथ कनेक्टेड हो। एंड मुझे लग रहा है पहले शुरुआत वो डीप फ्रेंडशिप से करना चाहते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप से करना चाहते हैं, एंड देन दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट। कमिटमेंट का यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नज़र में आ रहा है कि कहने कहे पे विद द जस्टिस एंड द एम्परर कार्ड, ठीक है, पहले जो उन्होंने आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लिया था वो लेना चाहते हैं। बिकॉज द एम्परर कार्ड यही बताते हैं कि जो भी गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट के लिए हर एक सिटीजन सेम है, ठीक है, हर एक नागरिक सेम होते हैं। तो एम्परर जो शहनशाह है या राजा है, महाराजा है, जो भी है, ठीक है, वो हमेशा अपने जो सिटीजन है वो कभी भी उनके साथ पार्शियलिटी नहीं करते, और जो भी ठीक है अगेंस्ट में जाते हैं वो हेविली रिवेंज भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन, ठीक है, आप देखोगे इनके ऑफिस में या इनके बिजनेस में अगर ये किसी को भी पकड़े हैं कि उन्होंने गलत किया है, ठीक है, फंड चोरी किया है या फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो उनको वो कभी भी छोड़ते नहीं है, इस किस्म के इंसान हैं। तो ये इंसान जो है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान हर एक जो पहलू है, जो हर एक साइड है रिलेशनशिप को, वो एनालाइज कर चुके हैं, एंड वो सुबह से यही सोच रहे थे कि मैंने आपके साथ जो है मतलब आपके साथ कुछ सही नहीं किया, तो अभी वो समय आ चुका है जहाँ पे मुझे स्टैंड लेने चाहिए आपके लिए। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये ऑनेस्टी के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड दे वांट टू फिक्स अप द रिलेशनशिप, तब जाके इनको सुकून मिलेगा, ये भी ये एनालाइज करते हैं, वरना इनको वो वाला एंड वाला सिचुएशन उनको देखना पड़ेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, मुझे लग रहा है कोई लेडी थी या कोई भी मैन था जिनके पास अधिक से अधिक पैसा था और ये इनके जाल में फंस गए, ठीक है, बट लग्जूरियस लाइफ तो इनको मिला, ठीक है, बट कहीं ना कहीं पे वो सुख नहीं मिला जो वो डिजर्व करते हैं। मुझे लग रहा है अभी शायद आप इस पोजीशन में हो, शायद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, बट उस दौरान शायद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे या अपने आप को अपने स्ट्रांग नहीं बनाया था, आप बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते थे उस इंसान के सामने आते ही। वो हमारी फितरत होता है, जिनको हम प्यार करते हैं हम उनके सामने वीक हो जाते हैं, और ये भी जान लो फ्रेंड्स, जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि सोलमेट ही ऐसा करते हैं या फ्रेंड ऐसा करते हैं, कोई भी कर सकता है, सिर्फ माता पिता को छोड़ के और गुरु को छोड़ के वही होता है, ठीक है, कोई भी हो जिनको आप सबसे ज़्यादा प्यार करोगे वही आपको सबसे ज़्यादा धोखा देगा, क्योंकि वो रियलाइज़ नहीं कर पाएगा कि कितना हद तक, ठीक है, कितना लिमिटेशंस आप क्रॉस कर, मुझे लग रहा है अपने सारे हदें क्रॉस कर दी इस इंसान को पाने के लिए, आपने कई तरह से मेहनत किया, आपने रिक्वेस्ट भी किया इस पर्सन को कि मेरा बात एक बार तो सुन लो, बट इन्होंने नहीं सुना। ये एक तलाश में थे कई खुशी का, एक नया घर का, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की ऑलरेडी शादी हो चुका है, ये पर्सन आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ना ये भी फील हो रहा है कि उनका मैनिफेस्टेशन का असर क्या आपके ऊपर हो रहा है, शायद आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो उनका कॉल का, शायद आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, शायद आप क्रिटिकली उनको एनालाइज कर रहे हो, ये भी उनको पता चल रहा है, शायद आप पहले जैसा नहीं रहे, आपके जो एटीट्यूड है, आपके जो एक्सप्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, आप वो सारे फन रिलेशनशिप्स को या कैजुअल रिलेशनशिप्स को आप मतलब बिल्कुल आप अलाउ नहीं करोगे। ये इंसान ये भी जानते हैं अगर ये इंसान आपके पास आते हैं तो आप सीधा सा सीधा
कमिटमेंट ही मांगोगे और कुछ नहीं। तो ये इसलिए ना टाइम ले रहे हैं, और ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि मैं जो फंस गया हूँ, जो मैं फंस गई हूँ। मुझे लग रहा है ये इंसान आपको बिना बताए कोई शहर में चले गए थे, कोई देश में चले गए थे, और आपको मतलब बोलने का उनको ज़रूरत नहीं समझा। जिस इंसान को आप इतना ज़्यादा प्यार करते थे, ये भी मुझे फील हो रहा है, चैनलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे उन्होंने आपका ना बहुत बड़ा लॉस भी कर दिया। ठीक है, मुझे नहीं पता किस तरह से लॉस करवाया, नॉट अबाउट इमोशनल लॉस, बट मुझे लग रहा कि आपका मजाक भी पीछे उड़ाया गया है, क्योंकि इस इंसान को ना लगा था कि आप उनको बेहद प्यार करते हो तो उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, तो इन्होंने आपका मजाक उड़ाया था, या कहीं ना कहीं पे आपको इतना टॉन्ट किया उन्होंने कि आप खुद ब खुद इस रिलेशनशिप से एग्जिट कर गए। कहीं ना कहीं पे बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे भी द सन है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली सन मींस द लाइट थ्रू द डार्कनेस, ठीक है। तो कुछ अगर इन्होंने प्लान किया है तो वो वर्कआउट करेंगे सक्सेसफुली, इवन अगर आपने भी कुछ प्लानिंग किया है तो वो भी सक्सेसफुल होंगे। दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि इन्होंने, अगर ये आपके बॉस है, ठीक है, अगर ये किसी भी तरह आपके करियर से कनेक्टेड है ना, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका प्रमोशन रुकवाना या कहीं ना कहीं पे आपका मतलब आपका इमोशनल, ठीक है, मतलब वो ऐसा बोला जाता है ना कि हिम्मत को तोड़ देने की कोशिश करना है, दे हैव ट्राइड टू ब्रेक यू, बिकॉज हो सकता है कि आप इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आप इनका जो इशारा है इनको समझ नहीं रहे हो या जानबूझ के कर रहे हो सॉरी तो इनको लग रहा है कि ये ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो पहले मेरे ऊपर फिदा था, ये तो पहले ऊपर मेरे ऊपर फिदा थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है, आई वॉन्ट दिस पर्सन बैक इन माई लाइफ। तो इतना ये घमंड कर रहे हैं, इतना इनके आंखों में अभी भी पट्टी है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है उनको कि क्या करने चाहिए। कुछ लोगों के लिए इस तरह से है कि इन्होंने आपको मतलब इवन आपके फैमिली को लेके भी इन्होंने बात किया है, ठीक है, इतना ज़्यादा आपको हर्ट किया है, फिर भी आप इस इंसान के लिए कभी भी बद्दुआ नहीं मांगे हैं, कभी भी आपने इस इंसान के लिए कभी भी आपने बुरा ना सोचा है, बट इस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया था इन द पास्ट, बट राइट नाउ देयर एनर्जीज हैव चेंज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हाँ, मैं बोल सकती हूँ अभी भी गुरूर है, अभी भी वो कॉन्फिडेंस है, अभी भी उनका वो नेचर जो है ना रिपीट होता है, जिस तरह से जो सूरज है वो हर रोज, ठीक है, द सन विल ऑलवेज राइज इन द ईस्ट ओनली, एम्परर का एनर्जी है वो अपने जो एक शेडो साइड है उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनको खुशियाँ भी चाहिए, जो खुशी वो दूसरे से नहीं मिल रहा है वो आपके अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप थोड़ा सा इमैच्योर हो, बच्चे जैसे हो, आप उनका बात मान जाओगे, आप फिर से उनके बातों में आ जाओगे एंड ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उनको कभी कभी ये भी लगता है कि आप वो इतना ईजी है कि आप उनकी बातों को मान लोगे। तो देर आर डिफरेंट सिचुएशंस विच आई हैड एनालाइज, आज बहुत ज़्यादा एनालिसिस मैंने किया है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पे उनको ये जो इंसान है ये काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट है, मौके की तलाश में रहता है, ठीक है, अगर वहाँ पे नहीं तो यहाँ पे सही, ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं तो वहाँ पे सही, ठीक है। तो ये इंसान जो प्रायोरिटी देते हैं खुद के करियर पे, खुद के इनिशिएटिव्स पे, खुद के जो मतलब लग्जूरियस लाइफ में खुद अच्छा से जीना, ठीक है, और लाइफ को एंजॉय करना, ठीक है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, लेकिन उनको कहीं और के साथ जब हैप्पीनेस नहीं मिला तब उनको अभी लग रहा है कि यू आर द बेस्ट, ठीक है। अभी इनके जो नेक्स्ट एक्शन है हम दूसरा कार्ड से, दूसरा डेक से देख लेते हैं कि इनका अगला, ये इंसान मुझे लग रहा है गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो सकता है स्ट्रांगली, कुछ लोगों के लिए लॉयर हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, सॉलिसिटर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इंसान मुझे लग रहा है आर्मी मिलिट्री बैटल फील्ड, जहाँ पे सिक्योरिटी डिफेंस या इनके पास सिक्योर वे, मतलब कोई भी कंपनी जो हैंडल करते हैं फाइनेंस, मतलब हम लोग जो ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं उसका सॉफ्टवेयर में हो सकता है ये शामिल हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए साइबर क्राइम डिपार्टमेंट हो सकता है,
कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये एंकर हो सकता है, जर्नलिस्ट हो सकता है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन स्पीकर भी हो सकता है, टीचर, प्रोफेसर, ठीक है, रिप्रेजेंट समथिंग विच इज वेरी, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकता है, ठीक है, काफ़ी नॉलेजेबल मतलब हाईली एजुकेटेड टू अ एक्सट्रीम लेवल। तो इनका नेक्स्ट एक्शन यही है। ओके, एट ऑफ कप्स, नेक्स्ट होम, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? ओके, मैजिशियन दो बार यहाँ पे आया है। देखो मतलब ये इंसान चाहे कुछ भी हो, बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट एट, ठीक है, क्लेम करना रीडिंग को, एट एट से, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जेमिनी, मिथुन राशि, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगला कदम डेफिनेटली आपके साथ फिर से ये कोशिश करेंगे लगातार, चाहे आप अवॉइड करो ना करो, ठीक है, ये कोशिश तो जारी रखेंगे एंड डेफिनेटली स्ट्रांगली। मुझे लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी है, इनका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये लोगों को इजीली मेजर कर लेते हैं। आप अगर इनसे खफा भी हो तभी भी आप बात भी नहीं कर रहे हो, थोड़ा दो तीन मैसेजेस से इनको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा सावधान रह के इनके साथ बातचीत करना, इनको मालूम ना चले कि आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में, ठीक है। नाउ रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना ना करना, देखो ये इंसान पूरी तरह से समझ गया है कि माँ के अंदर जो एक ताकत होती है, ठीक है, माँ जो सब कुछ हैंडल कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। माँ मेरे लिए पिता से भी ज़्यादा मायने रखते हैं, पिता अलग जगह पे, माँ अलग जगह पे, लेकिन माँ जो है वो सबके लिए, दैट्स वाई मदर्स डे इज सेलिब्रेटेड, राइट। तो कहीं ना कहीं पे ये जानते हैं कि अगर इनके फ्यूचर चाइल्ड होंगे तो आप ही उनके, अगर आप फीमेल हो, ठीक है, तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि आप इनके जो लव है वो एक्सेप्ट करें, कि आपके अंदर वो दया की भावना देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं कि आज के दुनिया में भी आपके अंदर इतना ज़्यादा दया है लोगों के लिए। यू आर वेरी जेंटल, यू आर वेरी सोबर, यू आर वेरी काम एंड वेरी कूल, एंड आप सेंसिटिव भी हो, आपका इमोशंस भी उन्होंने देख लिया है ऑलरेडी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे वो जानते हैं आपके पास आके जो सुकून, देखो एक घर होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा जो फर्स्ट हाउस है वो अच्छा जगह पे है, इट्स इन अ वेरी पॉश एरिया, बट कहीं ना कहीं पे मेरा जो सेकंड हाउस है, ठीक है, इट्स नॉट इन दैट काइंड ऑफ पॉश एरिया, हाँ, बट कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से फील होता है कि दोनों कल्चर अलग है, दोनों सोसाइटी अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो सुकून जो होता है ना, सुकून, शांति, एक ठंडी हवा में जो सुकून होता है वो एसी का हवा में नहीं होता है, ठीक है, तो वो सुकून सिर्फ आपके यहाँ पे है। तो ये इंसान जो है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, उनको लगता है कि मैं खामखा, ठीक है, पैसे के पीछे भाग रहा था और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, अगर मैं थोड़ा सा भी आपके लिए, ठीक है, सोचता, मतलब आपके लिए वो सोचते तो कहीं ना कहीं पर आज उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो ये स्ट्रांगली किसी की आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड डेफिनेटली दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन देयर करियर, ठीक है, राइट नाउ। सो उनका नेक्स्ट एक्शन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, विद द टू ऑफ कप्स, दे वांट दिस रिलेशनशिप टू हैपन एट एनी कॉस्ट, मतलब उनको मान्यता है, इस तरह से बोला जाता ना, मान्यता है कि हम कभी भी स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं तो हम खुद से नहीं जाते हैं, भगवान हमें बुलाते हैं, ईश्वर हमें बुलाते हैं, अल्लाह हमें बुलाते हैं, जीसस हमें बुलाते हैं, तभी हम जा पाते हैं, वरना हमारा मन भी नहीं होगा, ठीक है। मैं एक दिन अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं मतलब अजमेर शरीफ में पहुँची थी, ठीक है, किस तरह से वो घटना हुआ था, किस तरह से मैं मथुरा में गई थी, वो एक घटना होगा, मैं एक दिन टाइम लेके बता दूंगी। तो जब भी ऐसा बोला जाता है, ये मान्यता ज़रूर है, ईश्वर जब बुलाएंगे तभी आप जाओगे, यहाँ पे ये इंसान जो है आपके पास आने के लिए तरस रहे हैं एंड दे आर लिटरली ओके आर अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स, बट ये सब कुछ दुनिया का हर एक ताकत लगा देंगे आपके पास आने के लिए। और किसी को आपका मतलब आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में भी होंगे ना तो ये कोशिश करेंगे उसको तोड़ देने का। सो यू बी श्योर कि आप क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। तो बेसिकली हम देख लेते हैं इनका इनिशियल्स,
देखो डिसीशन आपका है कि क्या आप करना चाहोगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेती हूँ। मुझे तो लग रहा है ये आशिक या जो आशिकी है, देखें NJ4EHCIS QMHKEL। मैं दिखा देती हूँ आपको। दिस इज द रोज वाला, दिस इज द ब्यूटिफुल ज्वेलरी, मे बी दे वॉन्ट टू गिफ्ट यू। ओके ऑल राइट, सो इट्स हीलिंग इज रिक्वायर्ड, 4 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके देखो, सो दिस इज ऑल, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है LNT कोई कंपनी है जहाँ पे हो सकता है, लार्सन एंड टुब्रो हो सकता है, मैकेनिकल मतलब कोई डिवाइसेस बनाते हैं, या हो सकता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड करते हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ये इंसान कोई जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होंगे या आप दे रहे होंगे, ओके, या प्रिपरेशन कर रहे हो इस वक्त। ध्यान लगाओ, अपने पढ़ाई पे भी ध्यान लगाओ, अपने काम में भी ध्यान लगाओ। हाँ ओके, नेशनल हाईवे से ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ओके, हिस्ट्री किसी का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है। ओके, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो कहीं ना कहीं पे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो सकता है। हाई कोर्ट में भी इनका कोई लीगल डिस्प्यूट्स चल रहा है, या हाई कोर्ट में इनका आना जाना रहता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ पोजीशंस देयर। हो सकता है कि ये कोई वहाँ पे मे बी दे वर्क एज गवर्नमेंट लॉयर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हिसाब से ये काम करते हैं। ओके, निशा किसी का नाम हो सकता है, निशा। ओके ओके, केरला से कोई बिलोंग कर सकता है, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग कर सकता है, बिकॉज आई कैन फाइंड नॉर्थ ईस्ट ओवर हियर। ओके ऑलराइट, डबल एच हो सकता है, हरियाणा हो सकता है, या यस हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो सकता है कि कोई ऑयल नेचुरल गैस कंपनी से रिलेटेड है, या कोई कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है आपके पर्सन या आप। 4 कैन बी इम्पोर्टेंट, 11, 11, 4, ओके, कैन बी 31st, कैन बी 13th, कैन बी 22nd, इस तरह के डेट्स इम्पोर्टेंट हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है, जिया हो सकता है किसका नाम। ओके, कहीं ना कहीं भी पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इन्होंने या किसी और ने, पता नहीं क्यों, नोज सर्जरी किया है या कोई। ओके, सो दिस रिप्रेजेंट्स दे वांट टू प्रपोज यू एट एनी कॉस्ट। मैं वही बोल रही थी ना, जमीन आसमान एक कर देंगे आपको हासिल करने के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डेफिनेटली टैरोस एक्सपेट्रो। Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.